पढ़ा है ना, आज हम लोग संबलपुर हाटपाड़ा ये उड़ीसा में है। और बहुत ही बड़ा यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर 100 साल से ऊपर हो चुका बना हुआ था। अब इनको देख रेख में बड़े सुंदर के हिसाब से नवीकरण से बनाया गया। इस मंदिर की इतनी बड़ी सजावट है, एक बार दिखती ही बनती है। अन्य में इस मंदिर को सहयोग किए हैं यहाँ के हाटपाड़ा के कई वासी हैं, मरवाड़ी पाड़ा के आसपास के हर कई में मिल के इसको सहयोग किया। आगे में मिलेंगे झुंझुनू वाला जी से, जो संबलपुर के समाज सेवी है। सर आपका पूरा नाम बताएंगे? जनलाल झुंझुनू वाला जी। सर आपका नाम सर, इसलिए सारा उड़ीसा में है, बहुत अच्छे एडवोकेट भी रह चुके थे और आपका परिवारों का नाम भी बहुत अच्छा है। तो सर जो मंदिर के बारे में थोड़ा बताएंगे। बोलिए। ये मंदिर कितने साल हो गया सर? ये 41 साल पुराना मंदिर है जी। सर इसको जो अभी नए ढंग का बनाया जा रहा है, तो आपके मन में कैसा विचार है, आप लोग ने क्या विचार करके और इसका उद्घाटन कब है सर? इस मंदिर को बनाने का विचार मेरे मन में आज के 20 साल पहले आया था जी, लेकिन किसी कारणवश ये इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया रहा था। अभी समाज के 2-3 व्यक्ति, खास करके प्रदीप कुमार अग्रवाल, राजेश झाजरिया और एक दो व्यक्ति और, इन लोगों की प्रेरणा से, भगवान के आशीर्वाद से और ये मंदिर का जो है जीर्णोद्धार जो है तुम्हारे करवाया गया जी। सर इसका उद्घाटन कब है सर? इसका उद्घाटन जो है वो 17, 18 और 19 ये 3 दिन। तो इसमें जो भजन के लिए कौन बाहर से लोग आएंगे कि यहीं से रहेंगे? नहीं, इसमें भजन कीर्तन करने वाले जो हैं हमारे उड़ीसा के ही हैं और खासकर संबलपुर के ही। जी सर। तो ये प्रोग्राम कितना से कितना बजे चलेगा, उद्घाटन जिस दिन होगा? 17, 18, 19 17, 18, 19 को प्रोग्राम जो है वो सुबह से शाम तक मैं जो है भजन कीर्तन और पूजन वगैरह चलेगा जी सर। तब 19 में समाप्ति में क्या रहेगा आपका प्रोग्राम? 19 के दिन जो है 19 तारीख को मंदिर के ऊपर में गुंबद चढ़ेगा एवं उस दिन जो है हवन हो करके और मैंने प्रसाद वितरण होगा, उसमें करीब 1500-2000 आदमी जो है प्रसाद लेंगे। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे संबलपुर वासियों को, पश्चिम उड़ीसा के मंदिर में आने के लिए? हम इसमें जो है संबलपुर वासियों को, हम जो भी है उनको जो है ये कार्ड से हम निमंत्रण दे रहे हैं और वो लोग उसमें आएंगे। थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद।